हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के सामने कुछ बीजगणित का यूनिक ट्रिक प्रोसेस का वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, आई होप आप लोग को बेटर लगे, अच्छा लगे, पसंद आए। चलते हैं आगे। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस, इस कंडीशन में जो बोर्ड मास बताता है वो प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस होता है। परंतु अब जो हम तरीका जो बताने जा रहे हैं, जो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस प्लस सेम है तो माइनस, और बाकी सभी में हम कर देते हैं प्लस। अब ये 21 कंडीशन में, ऐसे बोर्ड मास के नियम से ये रॉन्ग है, पर किस कंडीशन में, अगर एक्स दे दिया 1/x, ऐसा देखे इसका मान a दे दिया और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान आप वो कहे निकालने के लिए। इस प्रकार के कंडीशन में जब यहाँ प्लस दोनों कंडीशन में प्लस है, तो जो मेरा आंसर निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है, a है तो a का हमने स्क्वायर चढ़ा दिया, अब प्लस प्लस क्या कहता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस हमने दो कर दिया। ऐसे होता क्यों है वो भी हम बता देते हैं, होता ऐसा क्यों है। होता क्या है कि इस पर जब हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि मेरे पास दिया हुआ है क्या, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमको प्लेन दिया हुआ है और स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाले स्टेप को ना एक्स प्लस 1/x के होल स्क्वायर, और इधर भी a का हमने होल स्क्वायर चढ़ाया, बाई प्रोसेस भी बताएंगे उसके बाद, इसका शॉर्ट तरीका जो फॉर्मूला होता है इसका यूज करके ना। तो ये कहता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ये x x कट ऑफ हो गया, ये प्लस है उस साइड जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस होगा 2। तो इसी को रूप में हमने फार्मूला के रूप में बता दिया, कि हमने आपको फार्मूला में बताया कि अगर आपको ये दे दिया, ये समझ गए, अगर आपको दे दिया एक्स प्लस 1/x इक्वल ए, तो आपने सिर्फ स्क्वायर में है तो ए पर स्क्वायर चढ़ा देना है, और दोनों का दोनों प्लस है तो इधर माइनस 2 कर देना है। बाय द वे, अगर ये क्वेश्चन ना पूछ के आपसे पूछता ये कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² ना, ये कंडीशन, इस कंडीशन के लिए पहले समझते हैं क्या, इस कंडीशन के लिए पहले क्या समझते हैं, अगर एक्स प्लस 1/x बराबर 1 ए दिया है और एक्स माइनस 1/x निकालना है, हम जानते हैं 2ab का फॉर्मूला जब यूज करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस हो या प्लस हो, ये माइनस हो या प्लस हो, यहाँ पे प्लस ही आता है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो पहले ये अब हमको प्लस दे के माइनस में निकालने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर कर देते हैं, और जो इसमें लिखते थे, जैसे इसमें लिखते थे पीछे वाला में ए स्क्वायर माइनस 2 लिखते थे ना, हमने ए स्क्वायर माइनस 4 कर दिया, यहाँ पे कर दिया इसका रूट। अगर ये माइनस है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस। अगर अगला कंडीशन आता, याद रखिएगा, अगर आता एक्स माइनस 1/x बराबर देता ए और x प्लस 1/x का आधा निकालने के लिए, तो फिर हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर, और ये प्लस है तो सिर्फ प्लस ही देंगे 4, और यहाँ कर देंगे ना। अब इस कंडीशन में आपको क्या दिया, x प्लस 1/x बराबर a दिया, अब हमको माइनस में निकालने के लिए कह रहा है, तो हम तो जानते हैं ऑटोमेटिक ये एक फार्मूला है, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² है। इसमें अब ये नहीं है कि क्या सर ये प्लस है माइनस है, तो आप ही ने बताया तो ए स्क्वायर कर देते हैं, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस हमने दो प्लस माइनस, सॉरी ये तो बोर्ड मास है, ये प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है प्लस, तो हमने यहाँ प्लस कर दिया, आपका आंसर नहीं, ये गलत है। गलत इसलिए हो जाता है कि देखिए, गलत क्यों हो जाता है कि अगर हम इस पर स्क्वायर चढ़ाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और अगर यहाँ पे माइनस भी बाई दी भी है, माइनस भी बाई दी भी है, तो माइनस 2x और y बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ये कट के ये प्लस, तो ये प्लस में ही आ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब यहाँ पे प्लस दे दिया हुआ या माइनस दिया है, प्लस दिया है या माइनस दिया है, इसमें माइनस है या प्लस है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना अगर हमको यहाँ पे माइनस पूछे, हम जानते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर चढ़ावे तो भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, a प्लस b का भी होल स्क्वायर चढ़ाए तो भी a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर आएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कि इसको फार्मूला रूप में लिखते हैं, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस 1/x² जो फॉर्मूला लिखेंगे, एक बार x प्लस 1/x, एक बार लिखेंगे x माइनस 1/x लिखेंगे ना।
अब हम जानते हैं कि मेरे पास एक कंडीशन माइनस का कंडीशन दे दिया था प्लस, हम जानते हैं माइनस से प्लस निकालते हैं, माइनस से प्लस निकालते हैं तो करते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर और प्लस फोर, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको बंद कर दीजिए, और यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है ए दिया हुआ है ना। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे आते हैं, एक क्वेश्चन जाते हैं, एक क्वेश्चन आते हैं, इसी को हम मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं और हम दे देते हैं यहाँ पे दे देते हैं फोर, आपको दे देते हैं x माइनस वन बाई एक्स बराबर फोर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हमने कहा तो एक बार लिखेंगे x प्लस वन बाई एक्स लिखेंगे, एक बार लेंगे x माइनस वन बाई एक्स लिखेंगे। इस कंडीशन में जब माइनस दिया है प्लस निकालना है तो मेरा फॉर्मूला था ए स्क्वायर, यानी चार का स्क्वायर माइनस हो जाएगा चार, और इसका मान दिया हुआ है आपको फोर दिया है। हम यहाँ चार चौका सोलह में से चार घटाएंगे तो बारह, रूट बारह और गुने चार, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो रूट तीन, टू रूट थ्री अगुने फोर, अब इसको गुना कर सकते हैं आठ रूट तीन, आपको आंसर रूट में लिखा जा सकता है। यानी कि ये प्लेन हुआ, माइनस में दे दिया, अगर यहाँ पे प्लस दिया है, अगर प्लस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, एक्स माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ है फोर और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कहे तो क्या करते हैं, यहाँ प्लस रहे तो प्लस क्या करते हैं कि करते हैं ए स्क्वायर, आप माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस कर देंगे टू, राइट, आपका आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर निकालना है तो आंसर निकालेगा चार, चार का स्क्वायर लिखा लेंगे और प्लस दो करेंगे तो 16 प्लस टू हो जाएगा 18। अब हम बाई प्रोसेस एक बार बताते हैं, बाई प्रोसेस हम इस समीकरण को, इस समीकरण से इस समीकरण को हल करना है, हम देखेंगे इस समीकरण में इक्वलिटी है और अतिरिक्त क्या है तो स्क्वायर है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ाते हैं, पावर चढ़ाते हैं, वन बाई एक्स बराबर अगर फोर है, इधर भी पावर अगर हम दो दे दिए, इधर भी पावर दो दे दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर कितना हो जाता है 16, एक्स से एक्स कट गया, ये माइनस जब इस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 18। यानी आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, बोर्ड मास में रहे तो ये प्लस 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 ही होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस 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 प्लस, पर अगर इस प्रकार का कंडीशन आवे तो सिर्फ प्लस, सेम है तो माइनस कीजिए, सेम नहीं है तो आप देखिए प्लस प्लस है तो सिर्फ माइनस, बाकी सब में प्लस, सब कंडीशन में प्लस होगा, सिर्फ प्लस प्लस है तो माइनस, बाकी सब में प्लस, इतना याद रखिएगा। अब आते हैं सेकेंड, अब देखिए इस चीज को मिटा देते हैं और इस चिन्ह को हम इधर साइड में लिख लेते हैं, प्लस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है प्लस, प्लस माइनस हो जाता है प्लस और माइनस माइनस भी हो जाता है प्लस, ऐसे देखा जाए ना तो एक एक जगह है, एक जगह गलती क्या होता है कि ये गलती है, रॉन्ग है, ये राइट है, उसके बाद प्लस माइनस सभी है, जो भी है, अब ऐसे कोई देख ले, डायरेक्ट देख ले तो कहेगा ये क्या नियम है, पर इस प्रोसेस के लिए ऐसा करते हैं कि आप माइनस प्लस में कंफ्यूज ना करें। अब आइए, आता है एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर ए और एक्स क्यू, और यहाँ माइनस से दे दे एक्स वन बाई एक्स क्यू। अब देखिए स्क्वायर वाला में क्या होता था, स्क्वायर वाला में कंडीशन, सॉरी स्क्वायर वाला में प्लस में पहले चलते हैं, स्क्वायर वाला में प्लस है तो प्लस रहे तो ठीक है, माइनस रहे तो और सिस्टम बदल जाता है, पर इसमें नहीं, इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अगर क्यू है ना भाई, क्यू चढ़ा है प्लेन है, यानी ये ग्राउंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, क्यू है तो हम इस पर भी क्यू चढ़ा देंगे, और दूसरी बात क्या करेंगे कि इसमें से प्लस प्लस क्या होता है माइनस थ्री ए बी, तीन को ई ए से फिर गुना करके लिख देते हैं। एक बार क्या करते हैं, क्यू है तो हम ए पर क्यू चढ़ा दिए और फिर तीन गुने ए गुना करके उस पर घटा दिए, घटाना जोड़ना प्लस माइनस पर डिपेंड करता है ना। अब इसको हम बाई प्रोसेस सॉल्व करते हैं कि बाई प्रोसेस सॉल्व करते हैं, अगर आपको आ जाए एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर दिया है फोर और एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर कितना होगा ना वाट, पहले हम बाई प्रोसेस चलते हैं, सॉरी पहले हम इस ट्रिक पे चलते हैं कि ये काम करता है कि नहीं देख लेते हैं। तो चार का क्यू माइनस चार गुने तीन, यानी चार चौका सोलह चौका चौंसठ में से बारह जाएगा तो 52, इस कंडीशन 52 आ गया आंसर। अब हम आते हैं बाई प्रोसेस जब बनाते हैं तो क्या होगा, इसको लिख देते हैं वाट, इसको लिख दिया जाता है वाट। अब इसको क्या करेंगे, क्यू है तो एक्स एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यू और फोर का क्यू चढ़ा है। अब इस कंडीशन में करेंगे, फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी का होल क्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a क्यूड प्लस बी क्यूड प्लस थ्री ए बी और a प्लस बी होता है। यानी कि प्लस वाला कंडीशन है में टोटल प्लस होता है, माइनस वाला कंडीशन में टोटल माइनस होता है। अब हम क्या करते हैं, ये सेम प्रोसेस में है तो लिखेंगे एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स वन बाई एक्स और एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर इतना कितना होगा, चार सोलह चौका चौंसठ। अब देखिए ये कट हो गया, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू प्लस तीन गुने चार, इसका मान दिया हुआ है यहाँ पे दिया है चार,
यानी 64। अब हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर ये 12 इधर जाएगा तो 64 में से 12 घटेगा तो हो जाएगा आपको 52। राइट, समझ गया। अब इसी का दूसरा कंडीशन आता है। दूसरा कंडीशन क्या आता है, अगर x a माइनस बी का होल क्यूब रहे, इसका कहता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी होता है ना। अगर बाय द वे आप बताइए यहाँ पे प्लस है या माइनस उससे मतलब नहीं है। अगर आ जाइए कि जब अगर मेरे पास ये माइनस देते तो हमने क्या कहा कि अगर यहाँ a है तो ए का क्यूब चढ़ाना है, प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस, देखिए वहाँ प्लस माइनस होता है प्लस हम क्या कर देंगे 3a ना, ये माइनस है प्लस है, ये माइनस आएगा तो भी ऐसे स्क्वायर के सिस्टम में नहीं होता था पर क्यूब के सिस्टम में होता है कैसे। तो अगर मान लेते हैं कि अब ऐसा क्वेश्चन दे दो तो हम क्या करेंगे, बाय द वे पहले हम ये दिखाते हैं ये माइनस में है और माइनस पूछा जा रहा है तो मेरा आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पे चार दे दिया तो 4 का स्क्वायर प्लस होगा 4 × 12 64 प्लस 12 हो जाएगा वो होगा 76। माइनस माइनस सेम है तो अगर हम इसको बाय प्रोसेस बना कर दिखाते हैं इसका हम इस क्यू चढ़ाएंगे तो होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या रहेगा 4 × 16 = 64। अब हमको करना क्या है कि एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू और ये एक्स एक्स का जाएगा माइनस 3 हो जाएगा और सॉरी मल्टीपल में होता है मल्टीपल क्या है ये दिया हुआ है 4 बराबर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 12 इधर जुट जाएगा तो हो जाएगा 64 और प्लस 12 हो जाएगा वो हो जाएगा 76 इस कंडीशन। अब हम कर चलते क्या है कि अगर बाय द वे इतना समझ गया भाई, अगर बाय द वे क्या होता है कि यहाँ पे दे दिया प्लस, यहाँ पे तो दे दिया प्लस, अगर प्लस दे दिया तो हम क्या करेंगे तो कहेंगे कि सर ऐसे कर दे सर ए क्यू प्लस माइनस प्लस और प्लस यहाँ पे लिख देते हैं हम 3a ना, क्या इस कंडीशन में मेरा आंसर सही होगा। अरे भाई माइनस वाला में भी ऐसा कंडीशन हो गया, प्लस वाला में भी ऐसा कंडीशन हो जाएगा, अगर दोनों माइनस माइनस है तो भी ये कंडीशन नहीं भाई, अगर ये माइनस माइनस है तो भी हम ये करेंगे एक प्लस हो जाएगा तो भी नियम तो होता था, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि ये दोनों सेम हो ना क्यू में, ये चीज़ को देखना है कि दोनों सेम है कि नहीं है, सेम नहीं है तो हम सेम बना लेते हैं। अगर प्लस में दे दिया हमको माइनस में पूछ रहा है तो हमको करना क्या, सो देखिए पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको माइनस में बनाएंगे तो माइनस में तो एक्स और वन बाई एक्स करेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस फोर होता है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस फोर होता है तो ये आपका होगा रूट हो जाएगा 12। अब इस माइनस से हम माइनस निकालेंगे, अब माइनस माइनस है ना क्यू निकालने के अब फार्मूला कर सकते हैं ए क्यू और माइनस माइनस होता है माइनस माइनस देख लीजिए माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस होता है वो कर देंगे 3a कर देंगे ना। तो कहने का मतलब ये था कि अगर यहाँ पे माइनस है माइनस पूछे तो ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही पूछना चाहिए, अगर नहीं है तो हम इस फार्मूला से हम उसको माइनस बना लें, यानी सेम दोनों चिन्ह को सेम बना लेंगे ना। अगर क्या कहते हैं प्लस दे दिया अब माइनस में पूछ दिया तो हम इसको क्यूड भी चढ़ा दे तो मेरा काम, अगर फार्मूला जो कहता है कि अगर प्लस दे दे तब तो हो जाना है गड़बड़, अगर ये प्लस दे दिया और हम ए क्यूड माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3a तो मान लीजिए सही हो गया। अब फिर कंडीशन में क्या आता है कि आप ही बताइए कि अगर ए भी माइनस देते अब माइनस पे प्लस माइनस भी माइनस वहाँ प्लस बताया अब माइनस माइनस भी वहाँ प्लस बताया तो दोनों का आंसर सेम कैसे हो जाएगा ना। अगर कोई यूट्यूबर ऐसा कर देता है या कोई टीचर बता रहे पर इस कंडीशन में क्यू वाला कंडीशन में होना चाहिए कि दोनों चिन्ह ना सेम होना चाहिए और प्लस, अगर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर ये माइनस दे के प्लस दे दिया माइनस दे के प्लस दे दिया तो भी इसको प्लस बनाना पड़ेगा, प्लस दे के माइनस दिया तो भी हम उसको प्लस सेम में बना के और उधर ले जाके जोड़ देना है। ओके अब आते हैं अब नेक्स्ट पे आते हैं अगला। अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर दिया है a और x के पावर 4 प्लस वन बाई एक्स के पावर 4 दिया गया है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हम इस कंडीशन को क्या कर सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, दो मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, दो पे स्क्वायर चढ़ेगा तो 4 हो जाना ना। तो हम क्या करेंगे पहले स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस प्लस होता है माइनस 2 कर देंगे राइट, इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे
ये सिंपल हुआ है ना, ये तो स्क्वायर के लिए हुआ, हमको फोर चाहिए, फिर एक बार स्क्वायर चढ़ाएंगे, प्लस से है तो माइनस टू कर देंगे। ओके, अब देखते हैं जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर तीन दिया है तो एक्स के पावर फोर और वन बाई एक्स के पावर फोर निकालना है तो हम क्या देंगे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तीन का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर माइनस दो, तो ये क्या हो जाएगा, तीन तिया नौ में से दो जाएगा तो सात का स्क्वायर दो उनचास सैंतालीस इसका आंसर हो जाएगा। फोर है तो दो पर दो कर देंगे, दो वाला सिस्टम कर दिए और फिर दो वाला सिस्टम कर देंगे तो हो जाएगा चार का। अब आते हैं कि अगर नेक्स्ट में हमको पाँच का पूछे तो क्या करें, अगर मान लीजिए ये दे के और हमको फाइव का पूछे, फाइव पूछता है एक्स के पावर फाइव और वन बाई एक्स के पावर फाइव पूछता है तो क्या होता है। तो हम एक बार क्या करते हैं, x के पावर 5 प्लस वन बाई एक्स के पावर 5 के लिए एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालते हैं, प्लस है तो प्लस, और एक बार एक्स स्क्वायर एक्स क्यू और प्लस वन बाई एक्स क्यू का निकालते हैं, तो तीन और दो को गुना करने पे 6 होता है, इसलिए इसमें से x और प्लस वन बाई एक्स का मान घटा लेंगे। हमेशा ध्यान दीजिए, अगर दोनों चिन्ह सेम है तो सेम, नहीं तो सेम बना लीजिए ना, हमने आपको बताया कि कैसे प्लस माइनस माइनस में प्लस जाया जाता है, सेम बना लीजिए, टेंशन ही मुक्त हो जाइए। उसके बाद क्या करते हैं, दो के लिए कहता है कि दो के लिए कहता है ए स्क्वायर प्लस प्लस माइनस होता है टू ना, क्यू के लिए कहता है कि ए क्यूड माइनस माइनस थ्री ए, और ये माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स ना। अगर मान लेते इस क्वेश्चन के बराबर में यहाँ के यहाँ पे टू दे देता, अगर दो दे देता, दो दे देता तो क्या करते, तो दो दूना चार में से दो जाएगा तो दो मल्टीपल, दो दूना चार आठ, आठ में से छः जाएगा ना, तीन दूना छः, आठ में से छः जाएगा तो दो, और माइनस इसका मान कितना दिया है, दिया हुआ है दो, तो चार में से दो जाएगा तो दो आपका आंसर। अब क्या इसको हम प्रूव कर सकते हैं, यानी तीन दो वाला तीन वाला निकाल के उसमें से घटा दिए और मेरा दो दूना चार, चार और ये हो गया आपका दो। अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि अगर प्रूव होता है कि नहीं ना। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करें कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर दो दिया है, x का प्लस वन बाई वन तो बराबर टू, यानी x का मान होता है एक। अब इस पर करते हैं x के एक और प्लस वन बाई एक्स सॉरी x एक के पाँच अरिक में ये एक प्लस एक यानी हो जाता है दो, यानी कि ये आपका ये सॉल्व हो गया ना। अब नेक्स्ट चलते हैं कि क्या हम छः वाले में ये चीज नियम यूज कर सकते हैं, छः अगर पावर छः दे तो क्या करेंगे। आइए तो अगर इतना दे दिया और आपको पूछता है एक्स के पावर छः प्लस वन बाई एक्स के पावर छः बराबर इक्वल व्हाट, तो छः के लिए आप कह सकते हैं कि एक्स के दो प्लस वन बाई एक्स के दो और एक्स के पावर तीन प्लस वन बाई एक्स के पावर तीन ना, ये तो ठीक है, हम नियम यूज करके देखते हैं। तो ये होता है ए स्क्वायर और माइनस टू हो जाएगा और ये होगा ए क्यूड और माइनस हो जाएगा थ्री, थ्री है तो ये हो जाएगा चार में से दो गया तो दो और ये छः में से दो गया तो दो ना, छः में से दो दो चार आठ, आठ में से आपको तीन तीन दूना छः गया दो। अभी दो और दो, दो 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 गुने दो होता है चार, मगर हम एक्स का मान एक देंगे तो इसका भी मान तो दो ही आएगा ना, यानी कि ये कंडीशन होता है वो हो जाता है फ्लॉप, यानी छः के लिए कंडीशन काम नहीं कर सकते। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त था, और जब नेक्स्ट वीडियो हम लाते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं तो फिर उसमें और सा डिटेल और इसको विस्तृत तरीका से बताएंगे, इसमें और डीपली जाएंगे, बीजगणित के बहुत सारे फार्मूला रूल हैं नियम हैं, उस फार्मूले पे हम जाएंगे, हम आपको सॉल्व करके टोटल का टोटल क्वेश्चन बताएंगे। कोशिश है कि हम बेहतर से बेहतर बेहतरीन वीडियो हम आपके सामने में लावे, और जब मेरा जो सीरीज चलेगा एस चंद थ्री राइडर आर्स वाल का, वो टोटल वन टू कंप्लीट मैथमेटिक्स का हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और एग्जांपल सहित बाय प्रोसेस रूल के साथ सभी क्वेश्चन को, हो सकता है वीडियो लंबा हो, कहे प्रत्येक चैप्टर में एग्जांपल और क्वेश्चन लेके, हमें लगता है औसत औसत 45 चैप्टर है, औसत 45 चैप्टर में कुल मिलाकर हमको लगता है 4500 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन जितना हो सके क्वेश्चन। सबसे मेनली होता है कि नोट्स को, जो नोट्स हम चैप्टर के बारे में आपको समझाएंगे उस नोट्स को लिखना, उस नोट्स को समझना, वो नोट्स सबसे बड़ी मायने रखता है कि उस नोट्स को समझाना, वही टाइम लगना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में तो ज़्यादा टाइम लगना है नहीं। ओके,
ऐसा भी हम जो भी क्वेश्चन हम बोर्ड में बनाएंगे उस क्वेश्चन का नंबर हम बोर्ड पर लिखेंगे, और आप किताब के सहयोग से भी ऐसे क्वेश्चन को तो हम बोलना भी है और क्वेश्चन रिटर्न करके वीडियो को हम बड़ा बनावे, उससे अच्छा है कि हम क्वेश्चन को दो बार पढ़े और उस क्वेश्चन को हम समझावे और तब हम फिर प्रोसेस को उसको सॉल्व करें। आप चाहे तो उस किताब के साथ आप अपना तैयारी कर सकते हैं, संपूर्ण तैयारी आप घर पर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, उस क्वेश्चन को देखिए और फिर हमने सॉल्व कैसे किया इस बात को ध्यान दीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।